है कि आप भारत के नागरिक हैं। जैसा कि अभी प्रकट सर ने बताया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर कच्छ तक, चाहे हिंदी भली भांति बोल ना पाए लेकिन समझते जरूर हैं। अक्सर हमें कहा जाता है कि नहीं जी, दक्षिण प्रदेशों में तो हिंदी बोली नहीं जाती, समझी नहीं जाती, वो लोग बोर्ड जला देते हैं इत्यादि इत्यादि। बच्ची, ये सब राजनीतिक है। आज की अगर आंकड़े आपसे साझा करूं, हर साल तमिलनाडु में 10,000 100 ऊपर नीचे हो सकते हैं, 10,000 बच्चे नागरी प्रचारणी सभा की जो शिक्षा परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें भाग लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि तमिलनाडु में लोग हिंदी सीखने के इच्छुक हैं। अगर आप रशियन देशों में जाएं और वहां के गाड़ी चालक को आप पता चले कि आप भारत से आए हैं तो वो बड़े खुश होते हैं और राज कपूर की फिल्मों के गाने बजाते हैं। और ये केवल ये नहीं है रशियन देशों में, अगर आप अरब देशों में जाएं वहां के भी वहां चालकों का यही हाल है, श्रीलंका में भी जाएं वही हाल है। कहने का भाव यह है कि वो लोग आपकी भाषा को सम्मान देते हैं क्योंकि वो आप भारत को सम्मान देते हैं। तो इस दिवस को मनाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके मन से हीन भावना दूर करना। ज्यादातर लोग अंग्रेजी इसलिए नहीं बोलते कि उनको अंग्रेजी अच्छी लगती है, उनके अंदर एक हीन भावना है, उनको लगता है कि शायद हम अंग्रेजी बोलकर दूसरों को अच्छी तरह से प्रभावित कर पाएंगे, जबकि उनको पता होना चाहिए अंग्रेजी मात्र एक भाषा है, योग्यता का पैमाना नहीं है। अक्सर जब हम हिंदी की बात करते हैं तो पंजाब के कुछ लोग इस तरह के, सभी तो नहीं मैं कहती, कुछ लोग ये बात उठाते हैं कि नहीं हिंदी का प्रयोग नहीं करना, ये पंजाबी को खा जाएगी। तो मेरा उनसे यही कहना होता है कि जब 600 साल से इसने पंजाबी को नहीं खाया तो अब क्यों खा जाएगी। पंजाबी भाषा में 80% शब्द हिंदी संस्कृत के हैं। अधिकतर हम पंजाबियों के नाम इंद्र से समाप्त होते हैं, रविंद्र, कुलविंद्र, इंद्र, राजा हिंदी से ही आया है, गुरु शब्द हिंदी से ही आया है, संस्कृत से आया है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर या फिर गुरु गोविंद, गुरु खड़े, कैसे खा जाएगी। कोई बहन भी अपनी बहन को कभी खाती है क्या? तो ये भ्रम कर पैदा करने वाली बातें हैं, ये साथ साथ चलने वाली भाषाएं हैं, एक दूसरे से शब्द लेती हैं, देती हैं, अपने आप को अमीर बनाती हैं और इस तरह से एक दूसरे में योगदान देती हैं। हाँ, अंग्रेजी जरूर खा जाएगी। मैं अभी इसका एक उदाहरण देती हूँ, बड़े मजेदार उदाहरण है। पंजाब के ही लुधियाना के ही किसी घर में हम गए, वहाँ एक माँ अपने बच्चे को डांट रही है, उसी की भाषा में बताती हूँ। वो कहती है, चुप करके सिट होके बह जा, नहीं मैं तेरे माउथ पे स्लैप मार रही है। मतलब मुझे एक बार अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि वो क्या कह रही है। वो शायद नई नई अंग्रेजी सीख रही होगी तो वो फेस की वजह, माउथ यानी मुंह उन्होंने सीखा होगा। तो जिस ऐसी अगर हम अंग्रेजी बोल के किसे प्रभावित कर रहे हैं, आप उसको चाट पकौड़ी खाने जाते हैं तो आप भैया कहते हैं भैया स्पून देना, क्या दिखा रहे हैं उसको कि आप बहुत आपको अंग्रेजी आती है। बात ये नहीं है कि आप अंग्रेजी ना बोलिए, बात ये है कि जब आप हीन भावना से ग्रसित होकर जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तब आपका नुकसान है। विदेशी ताकतों का हमेशा यही रहा है कि इस देश को हीन भावना से भर दो, क्योंकि वो इस देश को हमेशा ही तोड़ना चाहती हैं। कभी हमारा हिंदुस्तान अफगानिस्तान तक फैला होगा जिसकी सीमाएं रूस के साथ लगती थी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, ये हमारे भी हिस्से हुआ करते थे, आज ये अलग देश हो गए हैं और ये विदेशी ताकतें आज भी सक्रिय हैं। बांग्लादेश में अभी क्या हुआ है आपने देखा है, श्रीलंका में क्या हुआ आपने देखा था, पाकिस्तान में ये आए दिन चल रहा है और ये कोशिशें भारत में भी हो रही है। तो इस तरह के जो भ्रम पैदा किए जाते हैं वो हमें तोड़ने के लिए पैदा किए जाते हैं, और तोड़ने का सबसे पहला जरिया है कि आपको हीन भावना से भर दिया जाए। जब आपको आपकी भाषा, आपकी भूषा, आपका भोजन, ये तीनों ही उन्होंने बदल दिए हैं। भाषा में जबरदस्ती आप लोग, आपके पास अभिवादन के लिए बहुत सुंदर शब्द है, नमस्ते है, सत श्री अकाल है,
इससे सुंदर अभिवादन हो नहीं सकता। नमस्ते अर्थात मैं आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। सत्य श्री यानी शुभ है और अकाल है, कभी मरता नहीं है। हम इन सुंदर शब्दों को छोड़कर जब हम घड़ी देखे गुड मॉर्निंग ओ, गुड आफ्टरनून ओ, गुड मॉर्निंग करने लग जाते हैं तो ये हमारी हीन भावना ही है। जब हम सोमवार मंगलवार बुधवार जो कि एक ग्रहों के नाम से संबंधित हमारे वार हैं और इस नियम पर आधारित हैं कि जिस ग्रह की पहली ओरा उस दिन पे पड़ेगी उस ग्रह के नाम पे वो वार होगा, कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ये। और हम संडे मंडे पर आ जाते हैं तो हम अपनी सभ्यता और संस्कृति का नुकसान कर रहे होते हैं। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं आप कहां से हो, मैं कहूँ पंजाब से हूँ, करें लगते नहीं हूँ। मिनके लगने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आपसे ज्यादा अच्छी पंजाबी आती है और मुझे आपसे ज्यादा पंजाबी साहित्य का ज्ञान है, लेकिन मैं हिंदी पढ़ाती हूँ इसलिए मेरा विषय मेरे व्यक्तित्व में से झलकना चाहिए, इसलिए आपको लगता है कि शायद मैं पंजाब से बाहरी हूँ। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ मेरा जन्म पंजाब में हुआ है, मेरी पढ़ाई पंजाब की है, मैंने पढ़ाया भी पंजाब में और मरूंगी भी पंजाब में। मुझे इस प्रदेश पे बहुत गर्व है, यह ऐसा प्रदेश है जिसने में संसार की पहली भाषा संस्कृत का जन्म हुआ, जिस प्रदेश में संसार की पहली पुस्तक ऋग्वेद लिखी गई, जिस प्रदेश में संसार का पहला व्याकरण लाहौर के पाणिनि ने लिखा, जिस प्रदेश ने पहला चिकित्सा ग्रंथ अथर्ववेद लिखा, जिस प्रदेश ने ललित कलाओं का पहला ग्रंथ चाहे वो गायन कला हो, नृत्य कला हो, भवन निर्माण कला हो, सामवेद जिस धरती पर पैदा हुआ, तो मैं इस धरती पर पैदा होने का अपने आप में गर्व महसूस करती हूँ। ये मेरे प्रदेश की पहचान है, लेकिन विदेशी ताकतें मुझे इस पहचान से तोड़ना चाहती हैं। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने केवल आदेश दिया था, उसने गोली नहीं चलाई थी। उन सैनिकों ने अगर बंदूकें के मुंह उधर की बजाय इधर मोड़ दिए होते तो कुछ 100 लाशें बिकती और देश उसी दिन आजाद हो गया होता। लेकिन अफसोस हमारी गोलियां अपनों के ऊपर ही चलती रही और हम सदियों तक गुलाम होते रहे और आज भी यही कुछ हो रहा है। इसलिए भाषा के पंगे में मत पड़िए। यहां पे मैंने पंगा शब्द जानबूझ के प्रयोग किया है, कारण अगर आप विदेशी शब्द प्रयोग कर सकते हैं तो आप अपनी भाषाओं के शब्द क्यों नहीं प्रयोग करते, उसमें आपको शर्म क्यों आती है। हिंदी बोलते समय यदि आप पंजाबी शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको शर्म क्यों आती है, बल्कि इस बात पे अभिमान कीजिए कि आप पंजाब से हैं। ये दिवस इसीलिए मनाए जाते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है, बंगाल का एक सपूत खड़ा होके, हालांकि उसकी मातृभाषा बंगाली है, लेकिन वो तुम्हें संबोधित करता है, तुम मुझे फोन दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महाराष्ट्र से गोखले आके कहता है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और पंजाब का सपूत भगत सिंह जेल से जब पत्र लिखता है तो वो हिंदी में लिखता है। उसका पत्र आज भी नई दिल्ली के संग्रहालय में सुरक्षित है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये वो भाषा है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को एकजुट करती है। आज भी जब देश पर विदेशी ताकतों का आक्रमण होता है तो जो गीत बजाए जाते हैं वो हिंदी में ही होते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों, और सचमुच आपकी आंखों में पानी आ जाता है और आप अपना सब कुछ न्योछावर करने में तैयार हो जाते हैं। देशभक्ति का मतलब केवल मात्र सीमा में बंदूक लेके खड़े होना नहीं होता। देशभक्ति का मतलब है आप जहां हैं, आपको जो काम दिया गया है, अगर आप वो कार्य निष्ठापूर्वक कर रहे हैं तो आप हिंदी भाषा का प्रयोग गर्व से कीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी राष्ट्रभाषा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मातृभाषा पंजाबी का अपमान करेंगे। माँ माँ बोली का कब कोई विकल्प नहीं होता, इसका स्थान दुनिया में कोई ले नहीं सकता। दूसरी मासी चाची ताई कितनी भी अच्छी हो लेकिन अपनी माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। ठीक इसी तरह आपकी मातृभाषा का स्थान कोई नहीं ले सकता। आप अपनी मातृभाषा का उपयोग कीजिए, अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान कीजिए। हो सके तो इसमें जितना आप साहित्य पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, अपने हस्ताक्षर अपनी मातृभाषा में अपनी राष्ट्रभाषा में कीजिए, क्योंकि भाषाएं प्रयोगापेक्षी होती हैं। जितना आप प्रयोग करेंगे उतनी ही कोई भाषा आगे बढ़ेगी। मैंने अभी आपके सामने संस्कृत का जिक्र किया,
भारत पंजाब के में जन्म लेने वाली संस्कृत, जिसमें पंजाब को सप्त सिंधु के नाम से संबोधित किया गया है, क्योंकि तब इसमें सात नदियां बहती थी। आज संस्कृत विलुप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि उसका प्रयोग नहीं हो रहा, जबकि संस्कृत से सभी भाषाओं ने शब्द लिए हैं। तो कहने का मेरा भाव यह है कि आप भाषाएं जितनी मर्जी सीख ले, भाषाओं से कोई वैर नहीं। हमारे सामने तो उदाहरण गुरु गोविंद सिंह जी का, उनको अरबी भी आती थी, फारसी भी आती थी, ब्रज भी आती थी, संस्कृत भी आती थी। आप क्यों नहीं अनेकानेक भाषाएं सीख सकते? हमें क्यों शर्म आती है? लेकिन गर्व केवल और केवल मात्र अपनी मातृभाषा और अपनी राष्ट्रभाषा के पर ही कीजिए। यही आपकी सच्ची राष्ट्रभक्ति होगी। और एक बात याद रखिए, जब हम स्वयं का सम्मान करते हैं तभी दूसरे आपका सम्मान करते हैं। यदि आप अपनी मातृभूमि का, अपनी मातृभाषा का, अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों से सम्मान की अपेक्षा मत कीजिएगा। इसलिए आज के दिन से ही आपने हीन भावना को त्यागिए और इन सभी भाषाओं को साथ लेके चलिए, ताकि हिंदी आपकी पहचान बने और मातृभाषा हमेशा सदैव आपके साथ चले। जय हिंद।